हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है भाविन और आपका स्वागत है मेरी चैनल बीके टेक्निकल में। तो भाई, मुझे काफ़ी लोगों का इंस्टाग्राम में मैसेज मिल रहे थे कि भाई आप जो भी यहाँ पर स्ट्रेटजी बताते हो, कैंडल पैटर्न के बारे में बताते हो, वो हमारे ओलिमिटेड के डेमो अकाउंट में अच्छी तरह से वर्क करता है, बट जब भी हम यहाँ पर लाइव अकाउंट में ट्रेड लेने जाते हैं तो भाई अच्छी तरह से वर्क नहीं करता और भाई हमारा ट्रेड लॉस हो जाता है। तो भाई मुझे नहीं मालूम ये किसके कारण से वजह से हो रहा है। तो भाई आज के वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला है कि ऐसा क्यों होता है कि जब आप डेमो अकाउंट में ट्रेड लेते हो तो भाई अच्छी तरह से आपका प्रॉफिट होता है, बट जब भी आप यहाँ पर लाइव अकाउंट में जाते हो तो आप लॉस करते हो। तो इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसका पीछे का रीजन मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो पूरे एंड तक देखते रहो। साथ में ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई और भी बातें करने वाले जो कि आपको जानना जरूरी है। अगर आप यहाँ पर लॉस करना नहीं चाहते और अच्छा प्रॉफिट करना चाहते हो ट्रेडिंग से, ओलिमिटेड से, तो भाई ये वीडियो पूरे एंड तक देखना। काफी अच्छा अच्छा नॉलेज मैंने शेयर किया है जो कि आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो वीडियो पूरे एंड तक देखते रहो, आपका ये वीडियो देखना फायदे में रहने वाला है। और ऐसे ही नए नए वीडियो देखना चाहते हो मेरे चैनल के ऊपर ओलिमिटेड से रिलेटेड या तो ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो भाई जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। वहां पर मैं रेगुलर अपडेट डालता रहता हूँ, कोई नया गिव अवे, कोई नया वीडियो या तो कोई नया स्ट्रेटजी वगैरह है। तो यहाँ पर आपको यूजर नेम दिखाई दे रहा है, जल्दी से जाके मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। तो भाई चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको आगे बताया कि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है कि जब भी आप यहाँ पे डेमो अकाउंट में ट्रेड लेते हो यानी कि प्रैक्टिस करते हो तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, स्ट्रेटजी अच्छी तरह से वर्क करती रहती है, और जब आप यहाँ पे लाइव अकाउंट में जाते हो तो स्ट्रेटजी अच्छी तरह से वर्क नहीं करती है और आपका लॉस हो जाता है। तो भाई इसके पीछे का रीज़न एक ही है कि जब आप यहाँ पे डेमो अकाउंट में ट्रेड करते हो तो शायद मार्केट कंडीशन अच्छी रहती होगी, और जब भी आप यहाँ पे लाइव अकाउंट में जाते हो मार्केट थोड़ा वोलेटाइल हो जाता होगा। तो भाई इसके पीछे का रीज़न एक ही है कि आप अच्छा टाइमिंग के ऊपर ट्रेड करो तो आपको टाइमिंग मालूम नहीं होगा कि कौन से टाइमिंग के ऊपर ट्रेड करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अच्छा टाइमिंग कौन सा है, तो सुबह के 10 बजे के बाद और रात को 11 बजे से पहले पहले आपको ट्रेडिंग कंप्लीट कर लेना है। यानी कि सुबह से 10 बजे के पहले अगर आप ट्रेड करते हो या तो रात के 11 बजे के बाद आप ट्रेड करते हो तो मार्केट वोलेटाइल होगा ही होगा, क्योंकि ये ना मार्केट क्लोजिंग और ओपनिंग टाइम है। सुबह को 10 बजे यहां पर मार्केट क्लोज होता है और रात को 11 बजे को यहां पर अमेरिकन मार्केट जो है वो ओपन होता है। तो आपको इन दोनों टाइम के बीच में ट्रेड करना है। तो काफी लोग यहां पर अर्ली मॉर्निंग में ट्रेड करते हो तो मार्केट वोलेटाइल होगा ही होगा, तो आपका लॉस हो जाएगा, और रात को सोते टाइम काफ़ी लोग यहाँ पर ट्रेड करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको, 11-12 बजे आपको ट्रेड करना ही नहीं, आपको 9-10 बजे के पहले पहले ट्रेडिंग कंप्लीट कर लेनी है रात को। तो इस तरह से होता है ट्रेडिंग टाइमिंग, जो कि आपको यहाँ पर ज़्यादा मैटर करता है आपको प्रॉफिट करने के लिए। उसके बाद बात करें, जब भी मैं आपको यहाँ पर स्ट्रेटजी बताता हूँ यानी कि स्ट्रेटजी के वीडियोज डालता हूँ तो आपको अच्छी तरह से समझ में आए, उसके लिए मैं एक सिंगल सिंगल स्ट्रेटजी बताता हूँ। बट आपको कभी ट्रेडिंग सिंगल स्ट्रेटजी के ऊपर नहीं करना है, यानी कि आपको यहाँ पर स्ट्रेटजी का कॉम्बिनेशन करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको 3 स्ट्रेटजी ले गया, 4 स्ट्रेटजी ले गया, तो आपको यहाँ पर 3-4 स्ट्रेटजी का कॉम्बिनेशन करना है, एक साथ अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मार्केट एनालिसिस करना है, यानी कि मार्केट देखना है कि स्ट्रेटजी के हिसाब से मार्केट जा रहा है या तो उसके ऑपोजिट साइड में जा रहा है। तो जब भी आपको तीनों या तो दोनों चारों स्ट्रेटजी में एक साथ सिग्नल मिले यानी कि कन्फर्मेशन मिले तो उसके बाद ही आपको ट्रेड लगाना है, ना कि आपको यहाँ पर सिंगल स्ट्रेटजी आप यूज करो और बाद में लॉस में फंस जाओ। तो मेन बात करें कि आपको मार्केट एनालिसिस किस तरह से करना है, तो मैं बिगिनर वाली बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे नए नए हो ट्रेडिंग में या तो ओलिमिटेड में तो भाई किस तरह से मार्केट एनालिसिस करोगे। तो जब भी मैं स्टार्टिंग में बिगिनर था तो ये वाला तरीका यूज करता था, एकदम से आसान है आपको किस तरह से देखना है। तो यहाँ पर मेनली क्या होता है कि जब भी आप यहाँ पे कोई ग्राफ देखते हो, फॉर एग्जाम्पल JBPUSD, तो यहाँ पर क्या होता है कि कभी भी ग्राफ यहाँ पर बड़ी लंबी रेड कैंडल हो जाती है, कभी बड़ी लंबी यहाँ पर ग्रीन कैंडल हो जाती है, तो ऐसा कंटिन्यूसली चलता है। तो आपको समझ जाना है कि मार्केट अभी ट्रेड लेने के लायक नहीं है, यानी कि मार्केट थोड़ा वोलेटाइल है, आपको थोड़ा ट्रेडिंग स्किप कर देना है। तो एक आसान सा तरीका है कि आप किस तरह से अंदाजा लगाओगे कि भाई मार्केट वोलेटाइल है या तो अच्छी तरह से जा रहा है। तो अगर मार्केट एक फ्लो में जा रहा है कि फॉर एग्जाम्पल 10 मिनट के लिए मार्केट डाउन ही जा रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके डाउन जा रहा है, या तो 10 मिनट के लिए थोड़ा थोड़ा अप जा रहा है, तो ये मार्केट सूटेबल है आपको ट्रेड लेने के लिए, ना कि जब भी बड़ी लंबी कैंडल हो फिर से अप वाली लंबी कैंडल हो, तो इस तरह से आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो ध्यान रखना है कि जब भी मार्केट कंडीशन एक सूटेबल हो यानी कि नॉर्मल मार्केट कंडीशन, तभी आपको ट्रेडिंग करनी है। तो एक आसान सा तरीका था कि इस तरह से आपको मार्केट एनालिसिस करना है या तो चार्ट वगैरह देखना है, तो इसी हिसाब से आप देख सकते हो। तो आगे मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पर 3-4 स्ट्रेटजी का कॉम्बिनेशन करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने किया MACD, स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर और भाई उसके बाद बोलिंजर बैंड। तो इस तरह से आप 3-4 स्ट्रेटजी के कॉम्बिनेशन
कंफर्मेशन करोगे उसके बाद आपको यहाँ पर कंफर्मेशन मिलेगा तीनों के तीनों स्ट्रेटजी में। तो अगर उसके बाद आप ट्रेड लगाओ तो आप 99% प्रॉफिट होने वाला है। तो अगर आप एक सिंगल स्ट्रेटजी यूज करते हो सकता है कि आपका लॉस भी हो सकता है, और काफी बार यहाँ पर सिंगल स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती है। तो जरूर से ध्यान रखें, आप 2-3 स्ट्रेटजी एक साथ में यहाँ पर शामिल करो। मेरे वीडियो देखो, स्ट्रेटजी के 9-10 स्ट्रेटजी के वीडियो बनाए, आपको जो भी पसंद है एक बार जरूर से देख लेना, फिर अप्लाई कर देना 3-4 एक साथ में। तो वैसे भी मैं यहाँ पर ट्रेडिंग करता हूँ 3-4 स्ट्रेटजी के साथ में। अगर मुझे कंफर्मेशन मिलता है 2-3 स्ट्रेटजी में तभी मैं ट्रेड लेता हूँ और अच्छा खासा प्रॉफिट करता हूँ। और भी ट्रेडिंग में इतना ही नहीं है, यहाँ पर ट्रेडिंग में 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स है, यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट यानी कि ग्राफ यहाँ से आगे बढ़ेगा, रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्ट लेके ग्राफ डाउन आएगा। तो भाई ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्म है, और 50% की जो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वजह से होती है। तो भाई इसका समझना थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तो ये वीडियो में मैं नहीं डाल सकता। तो अगर आपको चाहिए कि सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल के बारे में आपको वीडियो चाहिए यानी कि नॉलेज चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओ, मैं अलग से एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा, क्योंकि उसका वीडियो 8-10 मिनट का तो होगा ही होगा। तो उसको समझने के लिए मुझे 8-10 मिनट का टाइम चाहिए, जो कि मैं ये वीडियो में नहीं डाल सकता, वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो ये बड़े ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म्स है ट्रेडिंग में। तो अगर आपने ये दोनों सीख लिया तो 50% की यहाँ पर प्रॉफिट तो आप ये दोनों टर्म से कर सकते हो, और बाकी की आप स्ट्रेटजी वगैरह से कर सकते हो। तो मुझे कमेंट में जरूर से बताइए कि आपको वीडियो चाहिए या नहीं, तो वो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। तो भाई जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आपको एक साथ यहाँ पर 3 या तो 4 स्ट्रेटजी का कॉम्बिनेशन करना है, उसके बाद चार्ट एनालिसिस करके आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है, ना कि आप सिंगल स्ट्रेटजी यूज करो और बाद में बड़े लॉस में फंस जाओ। तो आपको कभी भी सिंगल स्ट्रेटजी यूज नहीं करना है। और एक जरूरी बात कि अगर आपको यहाँ पर सपोर्ट लेवल और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कॉमेंट में जरूर से बताना, अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं जरूर से वीडियो लेकर आ जाऊंगा। सपोर्ट लेवल और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट टर्म है, और जो कि ओलिम ट्रेड में या तो कोई भी अदर ट्रेडिंग साइट में यूज होता है, तो उसी के कारण अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करते हैं ट्रेडर लोग। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको यहाँ पर वीडियो चाहिए या नहीं, तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो भाई चलो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में।